एक बार आप ग्रुप में बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर लें। हालांकि मैंने ग्रुप में एक बार रिमाइंडर भेज दिया है। एक दो बच्चे ही कर देना, सारे मत करना। चलो करें फिर स्टार्ट आज की क्लास। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, वो इसी पे ही हो रही थी जो मैंने अभी स्लाइड खोल के रखी है। तो बच्चों जल्दी आया करो, है ना। कितनी बार रिक्वेस्ट करवाओगे अपनी मैम से, है ना। देखो ऑर्गेनिक चल रही है ना, ऑर्गेनिक अच्छे से कर लो। अगर तुमने ऑर्गेनिक सीख ली ना, बेशक 12th में आप लोग बंक मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से सीख लो बस। मतलब मेरी क्लास का नहीं, वैसे ही ठीक है। बेशक उसमें थोड़ा लेट आ जाना, लेकिन 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से कर लो। चलो इसमें देखो, एक बार मैं इसको सारा इरेज करूं। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला था और बच्चों को कंफ्यूजन क्या थी। देखो सब रूल 4 ये कहता था कि अगर 2 से मैम हाँ, रिया यू कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बर्थडे मनाओ, बर्थडे गर्ल को परेशान नहीं करते। आज हम भी छुट्टियां लेते थे अपने टाइम में, है ना। तो मेरे को क्या हक है रोकने का, ठीक है चलो। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, अगर दो दो से ज्यादा सब्सिट्यूएंट है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, लोवेस्ट नंबर रूल लगाना है। लोवेस्ट नंबर रूल का मतलब ना सिर्फ ये है कि आपको लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है। पहले इसको अपने तरीके से समझते हैं। इधर आओ, यहाँ पे जो नंबरिंग की गई है वो यहाँ से की हुई है, और क्लोरीन को 2 मिल रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ से करती तो ऐसे होता। तो आप ये ऐसे भी सोच सकते हो कि मैम जब आप राइट हैंड साइड से आपने करते हो तो बीच में लोवेस्ट कार्बन नंबर। छोड़ दिया, एक हाँ जी फिर बोलो। कार्बन मैंने बीच में एक छोड़ कार्बन दिया। छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैम जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे थे तो हमें लोवेस्ट नंबर मिल रहा था सीएल को, जबकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो कोई सब्सिट्यूएंट नहीं आ रहा था सेकंड पोजीशन पे, राइट। अच्छा एक तो ये तरीका ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे इसमें 2, 3, 4 पे आ रहा है, 3, 4, 5 पे। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था 2 + 3 + 4 कर देना, 4, 3, 7 और 8, 9, और इसमें कितना हो जाएगा, 8 और 4, 12, है ना। तो मैंने कहा था ये लोवेस्ट सम आ रहा है इसका, तो इसको लगा दो। लेकिन यस मैम, सही है ये, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि यूज मत करना। क्यों नहीं करना, अभी ध्यान से सुनो। हमने एक क्वेश्चन किया था, कहाँ गया, कौन सा था, यही वाला था, है ना, ये वाला। यही था। इसमें क्या हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, मैं अभी रिसर्च आर्टिकल देख रही थी जब मैंने दोपहर को तुमसे पूछा दिन में, तो वहां पे ये लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट भी भेजा था वहां का। उन्होंने ये लिखा हुआ था पूरा अच्छे से कि जो लेटेस्ट आईयूपीएसी नेमिंग है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट सम रूल है वो कई कई कंपाउंड्स पे फेल हो रहा है। समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल गई। जैसे यहाँ पे अब नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 7, 8 आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, अगर मान लो मैं यहाँ से करती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या आ रहा था, 3, 4, 9। तो हमने कहा था 9 और 3 कितना होता है बताओ जल्दी, 12 और 4, 16, और ये होगा 17। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा जो लोवेस्ट सम रूल है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे अब से, हमने एक चीज माइंड में बिठा ली कि अब हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सम रूल नहीं देखेंगे, हम लोवेस्ट सेट रूल देखेंगे या लोवेस्ट नंबर रूल देखेंगे, लोवेस्ट सम रूल नहीं देखेंगे। अब मैं वो कैसे देखना है, आ जाओ जैसे यहाँ पे देखो 2, 3, 4 इज द करेक्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू दिस, और 3, 4, 5 रॉन्ग नंबरिंग। तो आप ये देखो किसमें छोटे नंबर हैं, इसमें देखो 2, 3, 4, इसमें देखो 3, 4, 5, एक मैक्सिमम नंबर आ गया, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है जी, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। और आ जाओ आगे, इधर आओ। जैसे 2, 4, 5 करेक्ट नंबरिंग थी, 3, 4, 6 यहाँ पे देखो एक 6 बड़ा आ गया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इधर आओ 2, 7, 8, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ऐसे हम अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ये वाला रूल कभी फेल नहीं होगा, चाहे कितनी वो आ जाए, क्या बोलते हैं, जैसे आपको पता है ना डिस्कवरी होती रहती है हर चीज की, तो वो पहले ठीक था बट अब नए नए कंपाउंड्स हुए हैं उसमें वो वाला लोवेस्ट सम रूल नहीं लग रहा है। तो हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो हर किसी पे क्या हो, एप्लीकेबल हो। हाँ कनिष्का आप बोलो।
मैम इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि 278 और 349 है, तो 278 वाला 2 से स्टार्ट हो रहा है और वो 3 से, तो 2 छोटा होता है इसीलिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि ऐसे मत करो तुम, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि फंस जाओ। ठीक है, हाँ ऐसे कर सकते हो तनिष्का तुम, जैसे मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3 3 4, ये देखो पास में ही सब्सिक्वेंट को नंबर मिल रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से जाते ही सब्सिक्वेंट आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो थोड़े टाइम बाद सब्सिक्वेंट आ रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। लेकिन ये प्लस वाला रूल मत लगाना, 95% केसेस में वो लग जाएगा, लेकिन अगर 5% में से क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, चल ओवरऑल देख लेना, अगर नंबर कोई ज्यादा आ रहा है, मान लो 9 सबसे बड़ा नंबर है जो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है जी, हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें तो फिर ये लोएस्ट सम रूल वाला नहीं लगेगा ना, ये थर्ड नहीं, वाले अब एग्जांपल मैं में। बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं लगा देती हूँ, मैं यहाँ पे देखो एक बार क्लाउड बना देती हूँ तुम्हारे लिए, लिख देती हूँ, सो दैट जब आप नोट्स पढ़ो तो आपको मेरी बात ध्यान आ जाए कि आपको क्या लगाना है, लोवेस्ट नंबर रूल लगाना है। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल मत लगाना, ठीक है जी, चलो। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस मैंने आपके ग्रुप में भेज रखी है, वो किसी रिसर्च आर्टिकल का वो पैराग्राफ है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं पूरा लिंक भी शेयर कर दूंगी, लेकिन उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही देख सकते हैं जितना मैंने आप लोगों को भेजा था। ओके मैम, स्लाइड हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ सुहानी, में भी तो यही लिखा है लोवेस्ट नंबर रूल। कौन सी वाली स्लाइड में? अच्छा नहीं, हाँ इसमें, हाँ लोवेस्ट में। नंबर, हाँ लोवेस्ट नंबर रूल लिखा है, लेकिन अगर तुम कुछ बुक्स में देखोगे लोवेस्ट नंबर तो है ही, लेकिन कहीं कहीं जगह ना लोवेस्ट सम रूल करके उसको सोल्व करके दिखा रखा है, समझ रही हो मेरी बात, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ 95% केसेस में वो सही हो जाता है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आ जाए, हालांकि नीट में तो हो जाएगा वो वाला फॉलो, लेकिन अगर बाय चांस नीट मतलब एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर दिया तो वहां पे हम फंस सकते हैं। तो हाँ सुहानी बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, यहाँ पे भी लोवेस्ट नंबर रूल लिखा हुआ है, तो इसी को ही हम मान के चलेंगे, तो अपने दिमाग में सम वाला आने ही मत देना फैक्टर अब। ठीक है जी, यस मैम, चलो रुष्टाई सिंह मैम, हम रिस्क नहीं ले सकते ना, बिल्कुल नहीं लेना, नहीं लेना है ना। चलो आई थिंक मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो आज हमारा लेक्चर 3 है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ही है, पार्ट 2 है आज का, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना, और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, है ना, कल भी हमने बहुत नई चीजें सीखी थी, आज भी सीखेंगे, और मैं 4 लेक्चर लूंगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। नहीं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलेगा तुमने मेरे को सिर्फ 3 क्लासेस दी, वो बुरा मान जाएगा, इसलिए हम इसको 4 क्लासेस देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग प्रियंका, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो उसके बाद हम कहाँ आ गए थे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पे आ गए थे। अब मैम ये क्या है, इसका नाम तो बड़ा सा ही लग रहा है, थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो वो क्या बोल रहे हैं, इफ टू और मोर डिफरेंट सेट ऑफ लोकेंट, ये छोड़ो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है, राइट, सबसे पहले तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगी बच्चों, यस मैम। अच्छा अब इन्होंने नंबरिंग कहाँ से कर रखी है, यहाँ से कर रखी है, जिन्होंने हम क्या करेंगे अपोजिट साइड से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, जो पहले वाली नंबरिंग है जो ऑलरेडी इन्होंने करके दे रखी है वो क्या है 4 2 2, 2 2 मैंने क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, पता है क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ही दो मेरे क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको मिथाइल कहते हैं, आज मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया 2 2 लिखा है यहाँ पे, समझ रहे हो कि सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल है, हम इसको, ये रूल है, मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि 2 2 से, इसका मतलब ये होता है सेकेंड पोजिशन पे दो सब्सिक्वेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं येल्लो वाले कलर से जो मैंने लिखा है उसको करती तो 2 4 4, तो आप बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, 2 2 4 वाले को या 2 4 4 को, 4 2 2 आप प्रायोरिटी दोगे, यानी कि एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट, हाँ यानी कि सेट ऑफ जो लोकेंट्स आएगा मतलब जो नंबर दिया आपने 2 2 4 वाले क्या होंगे, करेक्ट, ठीक है, और करें एग्जांपल बताइए। यस मैम, हाँ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए मैम इनको हम डाई इथाइल लिख सकते हैं क्या? डाई इथाइल ये डाई मिथाइल है बेटा,
हाँ यस मैम, डाइल मिथाइल। हाँ वो तब लिखेंगे ना नंबरिंग करते टाइम, है ना। आज सबकी क्लास ज्वाइन हो रही है ना? यस मैम। ओके ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, आगे है आपका सब रूल 5। ठीक है ओके। मेरे से कल एक स्टूडेंट पूछ रही थी, या कोई आई डोंट नो कि कौन था, कि अगर मैम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम। तो अब आ जाओ, वो वाला रूल आ चुका है। तो बच्चे जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना है? सीनियर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को ही हम कंसिडर करेंगे, और जो बाकी सारे होंगे वो हम किसकी तरह कंसिडर करेंगे बच्चों, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, मैम हमें कैसे पता चलेगा सीनियर कौन सा है, यानी कि किसकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये तो माइंड में आएगा ये। तो इसके लिए मैं आपको टेबल दूंगी, आज तो नहीं दूंगी बट कल दे दूंगी मैं। तो क्योंकि अभी हम फंक्शनल ग्रुप को लिखना नहीं सीख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे, अभी जस्ट हम ये सीख रहे हैं रूल्स क्या क्या होंगे। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं, COH का ध्यान रखना वो सबसे बड़ा है, उसके आगे कोई भी नहीं टिकता है। COH सबसे बड़ा सीनियर बंदा है, ठीक है। तो अगर COH आ गया तो उसके कंपैरिजन में जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उसको आप किसकी तरह बिहेव करवाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कराएंगे, ठीक है। तो जो आपका मेन चेन होगा वो यही होगा, ठीक है। और जो ये है OH, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है, वो क्या होगा अब, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम, ठीक है। ओके उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की। अब यहाँ पे देखो, अब मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ, हमने बहुत सारे रूल्स कर लिए, अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नेमिंग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पहले देखा कि कार्बन चेन को कैसे सिलेक्ट करना है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से रूल्स हैं, हम कैसे नंबरिंग करेंगे वो देख रहे हैं। अब हम कहाँ पे चलेंगे, नेमिंग करने पे चलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेमिंग कैसे करनी है, धीरे 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 वन बाय वन करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे फिर एकदम से उड़ान भरेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो सबसे सिंपल अब मैं बता रही हूँ, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। आई एम रिपीटिंग कि मैं अब क्या किसकी बात करूं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो जिसमें सिर्फ कार्बन है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और स्ट्रेट चेन है, देयर इज नो ब्रांचिंग और नो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इधर पहले आप लिखेंगे वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है मैम, ये अपन ने 10th में भी देखा था, है ना। अगर एक ही कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हो बच्चा, मिथ। मिथ यूज करते हो, दो कार्बन है, मिथ थ्री प्रोप ब्यूट पेंड हेक्स हैप्ट ऑक नॉन डेक, इस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद है सफिक्स, क्या लगेगा सफिक्स में, क्या होगा, एन हो सकता है अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है। चलो जैसे देखो इसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे, इधर देखो अगर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब समझते हो तुम सारे, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल भी आ जाता है, ट्रिपल भी आ जाता है, हाँ डबल आएगा तो एन और ट्रिपल आएगा तो आइन, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ये तुम्हारे सामने कुछ मैंने एल्केन्स लिखे हैं, अभी बहुत सिंपल वाला, ये पेपर में नहीं आएगा, फिर बोल रही हूँ अभी हम धीरे धीरे अपनी उड़ान भरेंगे, ठीक है। अभी हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमारा क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, स्ट्रेट चेन हो, देयर इज नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। जैसे इसका देखो, एक ही कार्बन है तो मिथ, ठीक है, और पीछे क्या लगाएंगे, एन, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यानी कि स्ट्रेट चेन में हम नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हमें वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। मैम प्राइमरी क्यों लगाया, अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है, ठीक है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखना है वो सीखते हैं। अभी हम प्राइमरी सफिक्स बोले तो एन, ईन या आइन, एन इन या आइन, ठीक है जी, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। चलो जैसे yes, हाँ जी, जैसे इसका नाम क्या लिखोगे, इथेन, इथेन है ना। अब पांचवे वाला देखो, पांच कार्बन है तो क्या लिखोगे, पांच के लिए पेंट, पेंटेन, कोई भी ले लो, ये कैसे लिखोगे, ऑक्टेन। मैम ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वो लिख के देगा, वो
इंडिकेट करके देगा डबल बोन है, अगर सिंगल बोन हो वो इंडिकेट नहीं करके देता है एग्जामिनर। इसका मतलब ये नहीं है इसके बीच में बोन नहीं है, कार्बन हवा में नहीं झूल रहा, ठीक है, अंडरस्टूड है कि इनके बीच में बोन है। इस तरीके से बच्चों दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ ये होता है डेकेन। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दो, तो तुम लोग बना सकते हो? यस मैम। जैसे पेंटेन 1 2 3 4 5 बन गया। यस मैम। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 सेप्टेन सेप्टेन सॉरी हेप्टेन आई एम सो सॉरी हेप्टेन 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 कैसे बनाऊं मैम? ऐसे बना दो। हाँ तनु बोलो बेटा, तुम सब बनाओ बॉन्ड लाइन से, मैं तनु का क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ बोलो मैम। अगर पेंटेन या फिर मीथेन किसी पर भी मिथाइल ग्रुप लग गया फिर हम कैसे बनाएंगे? नहीं 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 अभी मिथाइल ग्रुप लग ही नहीं सकता, मैंने अभी बोला है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, अभी कोई भी सब्सिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। जब सब्सिट्यूएंट लगा होगा तो उसका नाम भी फिर हम अलग तरीके से लिखे। मैम जैसे कि अगर हमें इन कंपाउंड्स का कंडेंस फॉर्मूला दे दिया तो इन्हें पहचानने के लिए कि सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, फिर हम फॉर्मूले से पहचानेंगे ना कि कितना हाइड्रोजन है। हाँ यस बिल्कुल। देखो अगर मान लो सैचुरेटेड हुआ ना, वो वहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड इंडिकेट नहीं करके देता एग्जामिनर, जैसे इसमें लिखा होगा। बट अगर मान लो उसको इथीन लिखना है तो वो लिख के देगा ऐसे करके, ठीक है। अगर उसको इथाइन लिखना है तो वो ऐसे करके लिख के देगा, वो सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा बट वो सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाता जनरली एग्जाम में, ठीक है। ओके आगे चलो, इसमें किसी को डाउट है तो बच्चों 61 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ जी बोलो मैम, इसमें CH4 में बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? बॉन्ड लाइन इसमें CH4 का बन ही नहीं सकता, मिनिमम आपको 3 कार्बन चाहिए बॉन्ड लाइन बनाने के लिए, है ना। इसका तो एक डॉट बना के आओगे तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये मेरे से एक बार पहले पूछा था, 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था सेम मेरे से क्वेश्चन। चलो ठीक है, किसी और तो लिखेंगे। हाँ जी बेटा फिर बोलो। जैसे कि इथेन का बनाएंगे बॉन्ड लाइन, उसका बनेगा? इथेन का भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने बोला मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। इथेन में क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे, ठीक है। और बॉन्ड लाइन में क्या होने चाहिए? ऐसे पहाड़ बनने चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी भी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही हो? हाँ में डॉट बना के छोड़ देंगे ना? अरे नहीं मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट में कि 3 मिनिमम आपको कार्बन चाहिए अगर बोलना है। कोई भी बुक उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, वहां पे अगर मीथेन है तो वो CH4 ही लिख के देंगे, प्रोपेन से ये चालू होते हैं बोलना है, ठीक है। हाँ और बोलो बेटा, बस आई थिंक मुझे आगे चलना चाहिए। चलो ओके क्वेश्चन आगे भाई, चलो हो जाओ शुरू। The IUPAC name of the IUPAC name of the इसका बेसिकली ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका आपको IUPAC name बताना है। स्टार्ट करना आपको, करो करो करो, कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो मैं बैठी हूँ करेक्ट करने के लिए, आप प्लीज करो एंड अपना आंसर मैच करना। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन जैसा तो कोई सीन ही नहीं आपको दिख रहा, 4 कार्बन की ही चेन है ना जी। तो बस नंबरिंग कहाँ से करने वाले हो आप? नंबरिंग करना सिखाया था ना मैंने, कहाँ से करोगे? Yes, डबल बोन से करोगे। चलो शाबाश, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 कार्बन है, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, जब भी कोई आपके स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन है अगर उसपे सब्सिट्यूएंट ब्रांचिंग नहीं है तो पहले आप क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे, फिर उसका प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा? ब्यूट, ठीक है। 1 इन, ध्यान रखना नंबर और नाम के बीच में हाइफन होना चाहिए, अभी से आदत डाल लो वरना बच्चे क्या करते हैं ऐसे डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं ब्यूट 1 इन, लो खत्म, कहानी खत्म। नहीं कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? तभी मैंने ये सिंपल वाला लिया है। ओके नेक्स्ट वाला कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट का PYQ है ये, ठीक है। करो स्टार्ट करो इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाले जो तुम्हारे डाउट थे ना, अगर तुमने कर दिया इट मींस वो क्लियर हो गया, और अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं बताऊं। करो करो आराम से करो, मस्त मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही लेक्चर ले लेंगे ना एक्स्ट्रा। उज्जवल का हो गया, शाबाश
बहुत बढ़िया, आज भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है क्या? नहीं, आ कल तो 69 पे मेंटेन था, आज 59 पे मेंटेन है, ये क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक से डर गए बच्चे, आई थिंक ये हर साल होता है मेरे साथ, कभी तो रिकॉर्ड तोड़ दो, हर साल यही होता है, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करती हूँ पांच पांच बच्चे नेक्स्ट क्लास में कम होते हैं। अच्छा 11 मैंने आंसर पूछा है क्या तुम सबसे? ओ रुक जाओ, इतने इंटेलिजेंट मत बनो, रुक जाओ, आई नो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो तुम लोग, रुक जाओ। मेरे को ए ऑप्शन लग रहा है। तुम क्या दे रहे हो बाकी सारे, देखो एक बार, सीसी पे लगे हुए सारे के सारे, सीसी पे। यस मैम, ए ऑप्शन है। मैम ए ऑप्शन, मैम ए ऑप्शन आ रहा है। चलो अच्छा, तो ए और सी में आप लोग फंस रहे हो, आ जाओ। पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे है क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड? नो मैम। नो मैम, ठीक है, नो मैम। पर जब सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं होते हैं तो नंबरिंग कहाँ से चालू करनी होती है? डबल बॉन्ड को, नो मैम, लोवेस्ट नंबर से। हाँ, किसने बोला ये लोवेस्ट नंबर वाला? नंदनी। नंदनी ने, नंदनी इज एब्सोल्युटली राइट। अरे भुलक्कड़ो, इधर आओ, तुम्हें एक चार्टर लगाऊ मैं, इधर आओ, ये देखना एक बार, ये बना दू, ये है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो यहाँ से कर रही हूँ तब भी आपको मल्टीपल बॉन्ड को वन मिल रहा है, यहाँ से करूँ तब भी। अब फंस गए ना, तो फंस गए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, भूल गए तुम लोग? 1 2 3 4 यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल है ही, सॉरी सिमेट्रिकल तो है ही नहीं, तो कहाँ से नंबरिंग करोगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले? तो 1 2 3 4 5 मैम, बट फिर ऑप्शंस में लोचा है ना, क्योंकि मैम देखो यहाँ बीच में इन दे रखा है, आइन नहीं दे रखा। अगर हम पहले ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे तो पहले आइन देना चाहिए ऑप्शंस में। सच बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन किसके दिमाग में था, तनिष्का वाला? किसी के नहीं आया? चलो पहले हम क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखे, कितने हैं? 5 कार्बन है, पेंट लिख दूं? बोलो। यस मैम। चेतना कुछ हुआ है क्या बेटा? चेतना कुछ कह रही है, 5 कार्बन है, पेंट आएगा, है ना? इसमें तो कोई आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है, सब ऑप्शन में भी 5 ही लिखा हुआ, पेंट ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मेरे को किसने बोला, तनिष्का ने बोला कि मैम अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे होना चाहिए इसका नाम, है ना? यस मैम। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं लिख रही हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये है। जब हम, ध्यान से सुन लो, हमने पेरेंट चेन देख ली, नंबरिंग कर ली, नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको ही लिखोगे। लिख दो यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें हमें कब समझ में आती है, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जो थ्योरी करवाते वक्त नहीं समझाई जा सकती। तो मैं लिख देती हूँ, वाइल नेमिंग द IUPAC, या मैं सिंपल लिख दू वाइल नेमिंग द कंपाउंड, फॉलो अल्फाबेटिकल स्पेलिंग, देख लेना ऑर्डर, ठीक है? तो यानी कि अल्फाबेट में पहले ई आता है या वाई आता है? ई। तो हम क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है? फिर किस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड? 3। फिर यहाँ पे ध्यान रखना हाइफन होना चाहिए नंबर और उसके बीच में, इन। फिर वन पोजीशन पे क्या है, आइन। समझ में आ गई जो जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही थी चीजें? यस, ठीक है जी। तो यानी कि सी का करेक्ट ऑप्शन। चल अब आ जाओ, और भी बहुत क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। अब हम कौन सी वाली केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे ब्रांचिंग होगी? हाँ बेटा, लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, ये वाली ले लो। ओके, यहाँ पे कंपाउंड कर लो, मैंने ये कॉमन क्यों लिख दिया भाई? मैम हो गया। चलो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसका नेम कैसे लिखूंगी। अब मेरे पास अगर ब्रांचिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी मेरे पास पिक्चर में कौन आ रहा है, पिक्चर में मेरे पास सब्सिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ठीक है? अभी जिसने पूछा था, तो नंबरिंग कैसे करेंगे
और नंबरिंग तो हमने सीख ली, उसका नामकरण कैसे करेंगे वो देख, ठीक है चलो ओके। तो बच्चे जब आपके पास ब्रांचिंग आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स बोले तो सब्सिट्यूएंट, प्रीफिक्स बोले तो सब्सिट्यूएंट, ठीक है। और इससे भी पहले तुम लिख सकते हो हम लोकेंट लिखते हैं, लोकेंट का मतलब क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट, मतलब जहां पे वो सब्सिट्यूएंट है, जिस नंबर पे वो सब्सिट्यूएंट है पहले वो लिखोगे, फिर उसका नाम क्या है सब्सिट्यूएंट का वो लिखोगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि वर्ड रूट क्या है फिर वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन है, इन है, आइन है वो लिखेंगे, ठीक है समझ में आ गई मैम। एग्जांपल से बता दो, एक काम करते हैं एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एग्जांपल 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 मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे लिख रही हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH3, दिख रहा है सबको, ब्रांचिंग कर दी मैंने। अब आप पहले तो अपना काम क्या है, चेन सेलेक्ट करना, चेन सेलेक्ट करना, वो मैंने ये बताया, ठीक है जी। अच्छा अब नंबरिंग कहाँ से करूं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। चलो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखना, सबसे पहले लोकेंट यानी कि पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखोगे टू, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है ये तो अभी सबको लर्न भी होगा, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो तो टू मिथाइल ब्यूटेन, देखो एक बार और करें, और बहुत सारे हैं, आइए आइए आइए, ये करें, तुम करोगे मैं करूं, चलो मैं करती हूँ पहले, है ना, बाकी क्वेश्चन बहुत है वो आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से चालू करूं, स्टार्टिंग से जहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, अच्छा मैंने सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे लगा लो सब्स्टिट्यूएंट, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा लो चलो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिखना होता है, लोकेंट, कौन सी पोजीशन पे है वो सब्स्टिट्यूएंट, थ्री पे ये ना सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा पहले, फिर उसके बाद मिथाइल, ठीक है जी। फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, सिक्स, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, वन पे, वन इन। ये जो हाथ उठाए हैं तुम लोगों ने, डाउट है या हो गया था, हो गया था। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो मैम, एक डाउट है। हाँ बोलो मैम, जैसे कि ऊपर वाले में थ्री के बाद ये मिथाइल हेक्स में कैपिटल वर्ड कौन सा लिखना है, स्मॉल वर्ड कौन सा लिखना है, अच्छा ये वाले बोलो स्मॉल लिखने हैं आपको मैम सारे, हाँ ओके मैम, ठीक है स्मॉल लिखने हैं, गलती नहीं होगी, डोंट वरी, अगर तुम कैपिटल भी लिखाते हो, बस इसका हाइफन का ध्यान रखना, हाइफन में फंसा देते हैं, अगर तुम यहाँ पे कैपिटल भी लिख दोगे वो कुछ नहीं कहेंगे, तो टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है। यस मैम, चलो आगे, ये वाला करोगे, चलो इसकी नंबरिंग कहाँ से चालू करूं, डबल साइड से, अच्छा डबल बॉन्ड, सारे यही एग्री करते हो, कोमल कोमल पांडे, ओके दीप्ति भी कह रही है, दीप्ति आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आए हो ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, चलो चलो यहाँ से करूंगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, अब हमारे ध्यान रखना कार्बन के मैंने चार वैलेंसी ही बना रखी हूँ यहाँ पे, देख लो एक बार, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पोजीशन पे है, तो यहाँ पे टू पे भी है और थ्री पे भी है और दोनों सेम है, तो हम बच्चे इस केस में क्या लिखेंगे, 2 कोमा 3, जब दो लिखेंगे तो कोमा आना चाहिए बीच में, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना 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 2 3 मिथाइल, एक गलती कर दी, कितने मिथाइल है वो भी आपको दिखाने, डाई मिथाइल, हालांकि ये एक रूल भी है जो मैं आगे चल के एक स्लाइड में लगा हुआ है, आप लोगों को दिखा भी दूंगी, 2 3 डाई मिथाइल, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट कितना है, पेंट, पेंट और 1 1, क्या बोल दिया मैंने,
अगर एक से ज्यादा पोजीशन पे सब्सिक्वेंट है तो जब आप लोकेशन लिखोगे मतलब उनकी पोजीशन लिखोगे तो कोमा सेपरेट मतलब कोमा आना चाहिए बीच में पहली चीज। और मान लो यहाँ पे दो मिथाइल है तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा भैया डाई मिथाइल, अगर तीन होते तो ट्राई, चार होते तो टेट्रा। ठीक है और करते हैं क्वेश्चन, टेंशन मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जैसे कि ये मिथ है तो मैम मिथ के बाद जो से आई ले तो मैम ये सिर्फ आई ली लगता है। फिर से बोलना बच्चे क्या बोल दिया मैम, जैसे कि हम लिखा है मिथाइल डाई मिथाइल तो मैम मिथ के बाद आइल हमेशा ही लगता है। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब बच्चे आप सब्सिट्यूएंट लिखते हो, हालांकि ये भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, जब आप सब्सिट्यूएंट लगाते हो ना तो पीछे वाई एल लगता है, वाई एल लगता है। जैसे आप लोगों का मिथेन ये होता है बच्चों, अगर आप यहाँ से एच निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा मिथाइल बन जाएगा, है ना। सी टू एच फाइव क्या होता है इथाइल होता है, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। तो सब्सिट्यूएंट जब आप लिखोगे तो पीछे खत्म कहाँ से होगी, उसकी एंडिंग कहाँ से होगी, वाई एल से होगा। ठीक है जी आगे चलूं? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन दूं? चलो मैम दो भाई, हम तो करने के लिए राजी बैठे हैं, चलो करो फिर। ये है तुम्हारे आगे करो। ये क्या है इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ खोल के। हाँ जी सेकंड पे वो दो एरो आ गए ना ऊपर की साइड, एरो नहीं है ये। चलो मैं एक काम करती हूँ पहले इसका ओपन चेन लिख देती हूँ, तुम लोग घबराओ मत। ठीक है सिमेट्रिकल है वैसे। हाँ रुको मैं बताती हूँ, देखो मैंने क्या किया, दिस इज योर कार्बन, समझाने के लिए ये लिख दिया, फिर ये कार्बन, कार्बन पे दो क्या लगे हुए हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप लगे हुए। ठीक है ये जो डंडा दिखाती हूँ मैं ये मिथाइल को दिखाता है। ठीक है जी अच्छा, फिर यहाँ पे चले कार्बन, फिर यहाँ पे चले कार्बन, फिर एक और मिथाइल और उसके बाद ये, देख लिया कैसे लिखा मैंने। यस मैम सारी वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी है, देख पा रहे बच्चों। चलो अब नंबरिंग कहाँ से करें, अभी मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा मैम सिमेट्रिकल है यहाँ से करूंगी तो भी सब्सिट्यूएंट को टू और फोर मिल रहा है, यहाँ से करूंगी तो वही मिल रहा है, तो हम किसको करेंगे बताओ बताओ बताओ। स्टार्टिंग से जहाँ पे दो वो वाला रूल है, ये वाला कहाँ गया, टू कॉमा टू कॉमा फोर, ये देखो समझे बच्चों। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करने पे ही आती है बच्चों चीजें, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वन टू थ्री। अच्छा आंसर आने स्टार्ट हो गए, शाबाश क्या बात है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अब तीन पोजीशन पे मिथाइल है तो टू टू कॉमा फोर, कितने मिथाइल है बच्चों, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये पी छोटे वाला है ना, टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन, टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन, बहुत बढ़िया शाबाशी, शाबाशी दे दो खुद को, दे दोगे क्या। यस मैम। चलो फटाफट से ये दो क्वेश्चन करो, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, कितने हैं भाई, अच्छा पांच छह हैं, चलो ये पांच छह नंबर का फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगी, तुम बताना कितने नंबर है, पहले ये कर लो फटाफट। देखो मैंने नंबरिंग कर दी है तुम लोगों के लिए, आपको ये बताना है कौन सी ठीक नंबरिंग है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, उसका नामकरण करना है। चलो हो जाओ शुरू। ऊपर वाला ठीक है क्या? यस मैम। पक्का सोच लो ना, है ना? यस मैम ऊपर वाला ठीक है। तो इसको काटूं फिर? तो इसका नामकरण करो, पहले हम क्या लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं कहाँ पे है, सब्सिक्वेंट टू पे है कोमा, पे है कोमा, फाइव पे है कोमा। ठीक है टू थ्री फाइव, फिर हम क्या लिखेंगे, हाइफन लगाते हैं, ठीक है नंबर और उसके बीच में अल्फाबेट के बीच में, तो अब क्या होगा, वर्ड रूट क्या है, हेक्स, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना कैसे भूल गई, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, शाबाश सबका सही आंसर आया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो अब ये एक क्वेश्चन, दो तीन चार पांच, पांच पांच नंबर का टेस्ट है, आ जाओ जल्दी आओ, जेई के क्वेश्चन है, नीट में इतना ज्यादा मस्त लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने जेई के उठा लिए क्वेश्चन। चलो आ जाओ अब यहाँ पे तुम्हारा
ये टेस्ट होगा कि तुमने आज और कल अभी तक क्या सीखा। तो जिसका हो जाए वो हाथ उठाता जाए और अपन फिर आगे चलते जाएंगे। मैं देख भी रही हूँ कौन कौन हाथ उठा रहा है। दिशा नहीं आई आज, हुमेरा भी आ गई, दिशा यादव भी आ गई, दिशा नहीं आई, निधि भी आ गई। हाँ मेरे तो मेरे उसके G3 G4 के तो बहुत ही कम बच्चे दिख रहे हैं, ना के बराबर। पीयूष है? पीयूष यस मैम। पीयूष बताएगा मैम, मैं बता। नंदनी कह रही है मैं बताऊंगी। अच्छा पीयूष बताएगा इसका आंसर, बताओ पीयूष। देख के डर तो नहीं गए ना, क्या बना दिया ये मैम? नो मैम। हाँ नहीं डरना, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग चालू करो और फिर नेमिंग करो, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे हो तो आप धीरे धीरे ही करेंगे, ठीक है? ओके तो नंबरिंग करना चालू करें। पीयूष नहीं हुआ, चिंकी आप बताओ। 22 बच्चों ने हैंड रेस किया है, चिंकी नहीं है क्या इसमें? चिंकी, चिंकी का तो पहला दिख रहा है सबसे। अनम आप बताओ। मैम इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। चेतना सेकेंड, अरे भाई साहब दो अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं। अच्छा उज्जवल टू। मैम मेरे समझ में नहीं आ रहा ये वाला। कोई नहीं मैं कराती हूँ, एक मिनट, कोई बात। इससे पहले जितना कराया आ गया समझ? रुजता यस मैम। ठीक है ये देखो कहाँ पे फंस रहे हो, इधर आओ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो कौन सा ले देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 यही ले ले क्या? या अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है 1 2 3 4 5 6 तो वो ऐसे भी ले सकता, बात तो एक ही है ना? Yes. क्योंकि यहाँ पे देखो ये लटक रहा है, ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 पे क्या इधर आओ इधर उधर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको, 4 पे दिख रहा है और 3 पे दिख रहा है। अब दोनों अलग अलग है ना, वो अलग अलग लिखोगे, लेकिन लिखते टाइम मैंने आपको बोला था व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड फॉलो अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। तो ई पहले आता है अल्फाबेट में, या एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल और फिर हेक्सेन, ठीक है जी। मैम मेरे से अल्फाबेटिकल ऑर्डर की गलती हो गई। मैम तीनों, मैम इसमें दोनों में हाइफे अलग अलग लगाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक इथाइल है एक मिथाइल है। अगर दोनों मिथाइल होते तो आप लिख देते 4 3 डाइमिथाइल, अगर दोनों इथाइल होते तो फिर आप उनको साथ में लिखते, अब दोनों अलग है तो हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मैम मैंने वही नहीं करा। कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखो, कोई नहीं बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। रिपीट कर दूं, आगे वाला तुम करोगे, आगे वाला वही है सेम, तभी मैंने जान करके यहाँ पे 5 क्वेश्चन डाले। प्रीवियस क्वेश्चन करना, ये लो मैम, सेकंड ऑप्शन के अंदर 3 इथाइल है मैम, अगर स्टार्टिंग से नंबरिंग करते हैं तो 3rd पर इथाइल आ रहा है और अल्फाबेट नहीं फॉलो होगा, इथाइल आ रहा है और हेक्सेन है। मैम आप गलत कर रही हैं शायद। हां जी क्या हुआ उज्जवल? अल्फाबेट नहीं आ रहा। अल्फाबेट नहीं आ रहा, चलो देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तुम बोल रहे हो यहाँ से नंबरिंग करनी है ना, 1 2 3 4 5 6 Yes, ma'am. हाँ तो ठीक तो है, 3 पे इथाइल आ रहा है, मैं नंबरिंग गलत करती थी क्या? Yes, ma'am. एक मिनट रुको मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों प्लीज। ओके ठीक है, ओके तो 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे की थी। Yes, ma'am. ओके ठीक है,
हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वाली बिल्कुल ठीक करी है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सेकंड वाला ठीक होना चाहिए फिर। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या है, फोर पे इथाइल आ रहा है जबकि यहाँ पे हमें थ्री पे इथाइल मिल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका थ्री इथाइल फोर मिथाइल हेक्सेन एकदम ठीक है बच्चों, बढ़िया। ठीक है, किस किस का आया था ये सेकेंड ऑप्शन, एक बार हैंड रेज कर लो, सबका आ गया था, बहुत बढ़िया। मैम मेरा नहीं आया था, मैम मेरा आ गया था, अब सब करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया था वो अब देख लो। ठीक है जी, चलूं? यस मैम। ठीक है चलो, ये वाला करो, नेक्स्ट वाला ये वाला कीजिए। इसको खोलना पड़ेगा, मैं खोल देती हूँ आप लोगों के लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर देखो इधर देखो, कार्बन के साथ देखो दो CH है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, इसको ऐसे खोल लो। ठीक है चलो, डन। ओके, तो आपने नंबरिंग कहाँ से चालू करी बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या आएगा यहाँ पे, थ्री मिथाइल और ब्यूट वन इन, वन ब्यूटेन, या तो वन ब्यूटेन लिखो या ब्यूट वन इन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है जी, यस बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है ओके, इसके बाद करो ये वाला क्वेश्चन, करो आराम से, करना आराम से करो। हाँ जी मैम हो गया, हो गया, चलो करो करो करो, कोई बात नहीं, जिसको टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैम। बट यहाँ पर ना, यहाँ पे ब्यूट इन अलग अलग लिखने की बजाय ना उन्होंने ऐसे एक साथ लिख दिया। कैसे लिखा, ब्यूटीन लिखा या ब्यूट वन इन लिखा मैम? इन्होंने मैम इन सारे ऑप्शंस में ब्यूट वन इन की जगह सिर्फ ब्यूटीन लिखा है, वन ब्यूटीन। कोई बात नहीं, ये भी एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, और पहले टाइम में ऐसे लिखते थे वन ब्यूटीन, आज के टाइम में क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे लिख के देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके मैम, ठीक है, तो आंसर तो आई थिंक आ ही गया। ऐसे की होगी नंबरिंग 1 2 3 4, तो 3 3, ठीक है। आपको इंडिकेट करना है डाई, वरना काटा लग जाएगा। आपको बताने में कितने मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूट वन इन या वन ब्यूटीन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा रही हूँ मैं, तो करेक्ट होगा इसका सी वाला। चलू आगे, ये वाला क्वेश्चन करो मैम, एक बार पीछे ले लो बेटा, मेरा पेन पता नहीं कहाँ गया। हाँ तुम करो, मैम हो गया, करो करो करो, डन। ठीक है, चलो अब देखो आंसर भी बता दो, आंसर बताना एक बार सारे के सारे। और अभी ऑप्शन डी, जल्दी लिखो टी। उज्जवल तुम्हारा ऑप्शन क्या है? उज्जवल इज सो कॉन्फिडेंट। हाँ उज्जवल, आंसर नहीं दिख रहा मेरे को बेटा तुम्हारा। उज्जवल उज्जवल आंसर कहाँ गए? सबसे पहले तुमने ही हाथ खड़ा किया था, डन वाला गायब। चलो आओ, ओके, जिसने ए बोला गलत, जिसने सी बोला वो भी गलत, जिसने डी बोला वो भी गलत। मैम बी ऑप्शन है। इधर आओ, मैंने तुम्हें एक चीज बोला था, जब भी इथाइल आ जाए ना इसको खोल के लिखा करो, वरना फंस जाओगे। इधर आओ,
तुमने ये वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली और मस्त इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर देखो क्या करना है, इसको अपन पूरा खोल लेते हैं ना, CH3CH। अब कोई फायदा नहीं है उज्ज्वल आंसर देने का, ठीक है, अब तो मैंने ही बता दिया बी आएगा, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे CH2CH3, यहाँ पे भी लिख लो CH2CH3। ठीक है जी, बी इज करेक्ट। अब देखो ना, अब तुम्हें दिख रहा होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 बना, और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लिख लो, ये पता है कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये जेई में तो आया ही हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, तुम्हारे जितने भी एंट्रेंस होते हैं, नर्सिंग का पेपर होता है या CUT का पेपर होता है, वहां सब में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं तो कहती हूँ इसको ध्यान ही रखो दिमाग के अंदर कि ऐसा वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें मॉड्यूल में भी ये मिलेगा, मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया लेकिन अभी करना चालू मत करना, है ना। चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3,4-dimethylhexane। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, द आयुबिक नेम ऑफ द कंपाउंड, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं बिल्कुल मेरे स्क्रीन के आगे बैठी हूँ, ये स्क्रीन के, तुम्हें भी लगा होगा कभी फील किया हो, जब हम स्क्रीन के आगे बैठे स्पेशली टीचर, तो जब वो लिखते हैं ना, जब वो लिखते हैं तो वो इल्यूजन हो जाता है, समझ रहे हो, तुम हुआ है कभी ऐसा तुम लोगों के साथ ऐसा, तो वो इल्यूजन हो जाता है, मतलब हमें ना देखे हुए चीज भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, ऐसा कई बार होता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज एक्टिव होके बैठा करो। ठीक है मैम, हो गया, हो गया, चलो करो करो, 13-14 बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, इसको खोलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब ऐसे हो ना, ऐसे फंसो तो एक बार खोल दिया करो, गलत नहीं होगा। अब 60 बच्चे हैं, जल्दी से मुझे आंसर बता दो सारे चैट बॉक्स, सी अब ठीक बोले हो, अब ठीक बोले हो। ठीक है, तो नंबरिंग कर दो कैसे भी, 1 2 3 4, तो 2 पे सब्सिक्वेंट, 3 पे सब्सिक्वेंट, तो 2,3-dimethylbutane, जिसने मार्क किया है बहुत बढ़िया। चलूं आगे, यस मैम, तो दिस इज योर, ये दोनों आपके होमवर्क है बच्चों, कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ नंबरिंग कर रखी है, आधा काम आप लोगों के लिए कर रखा है, तुम्हें सिर्फ नेमिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक बार जल्दी से स्लाइड को पढ़ लो और मुझे कंफर्म करो यस मैम ठीक है, yes. मैं ये एग्जांपल करवाऊंगी, इफ द कंपाउंड कंटेन मोर देन वन सिमिलर, हालांकि मेरे को स्लाइड आगे इंसर्ट करनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, इफ द कंपाउंड कंटेन मोर देन सिमिलर एल्काइल ग्रुप देयर पोजीशन आर इंडिकेटेड सेपरेटली, द नेम ऑफ सब्सिक्वेंट हायर इज नॉट रिपीटेड, आपको ये नहीं लिखना, मान लो दो मिथाइल है तो आप लिख लो, आप लिख रहे हो मिथाइल मिथाइल ना, ये ना रिपीट करो, बट एन अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जरूर लगाना, लाइक अगर 2 मिथाइल है तो ट्राई डाई, और 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मान लो इसका नामकरण करोगे तो क्या लिखोगे, 2,3-dimethylpentane, और अगर इसका नामकरण करोगे तो क्या करोगे, 2,3,3-trimethyl, ट्राइमिथाइल, बोलो पेंटेन, यस मैम, यस मैम, ठीक है जी, यस मैम, यस यस मैम, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो, ये वाली स्लाइड भी एक बार रीड कर दो, ये तुम्हारे नोट्स के लिए, अगर लिखना चाहते हो तो शॉर्ट शॉर्ट में, इफ देयर आर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मान लो अभी तो मिथाइल था, सेम सेम थे, हो सकता है अब एक कोई और हो, दूसरा कोई और हो, तो क्या करेंगे, इफ देयर आर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन देयर नेम आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इधर देख पा रहे हो क्या बच्चों, ठीक है, नंबरिंग यहीं से होगी, पहले तो कंफर्म कर लो,
यहाँ से तो नहीं होगी ना नंबरिंग, 334 मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 233 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो हो रखी है वही नंबरिंग एकदम सही है। देखो एक बार ध्यान से, चलो अब अपन क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है तो अपन क्या लिख देंगे, 3-ethyl, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 और 3 पे मिथाइल है तो 2,3-dimethyl, अभी मैं बताऊंगी बच्चे क्या गलती करते हैं, और पेंटेन। यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं, मैम अल्फाबेट में तो डी पहले आता है ई बाद में आता है, लेकिन ध्यान रखना डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, ठीक है। आप इनके नाम देखोगे, ई पहले आता है, एम पहले आता है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि आगे से ज्यादा क्वेश्चन नीट में इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे भी मैंने कराया था तो आप लोग गलतियां कर रहे थे, हालांकि वो तो लर्निंग फेज में इसलिए कर रहे हो, बट आगे अगर हम 100-150 एग्जांपल कर लेंगे तो वहां पे आप गलतियां नहीं करोगे। मतलब मैम बस सबसीक्वेंट का वो देखना है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ, फाइल नेमिंग द कंपाउंड, ठीक है। चलो ये नामकरण करोगे क्या इन सबका? करोगे? चलो आप, चलो तुम्हें मैं कितने मिनट दे रू, 7:55 हुई है, 7:57 पे मैं पूछती हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आ जाओ करते जाओ तुम, फिर जब मैं नाम लिखूंगी तो तुम बता देना। यस मैम, यही हमारा था। मैम 3 कार्बन की चैन को क्या कहते हैं? प्रोपेन बेटा। ओके मैम, चलो ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, चलो देख लो एक बार, पहले अपने आप शुरू से करो ऊपर से। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना अपना। चलो पहले का आप लोगों ने नाम लिखा होगा, देखो मैं डायरेक्ट नाम लिख रही हूँ क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, 2,2-dimethyl, कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा कैपिटल डी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल भी लिख लो। प्रोपेन यही लिखा है? यस मैम, यस मैम। यहाँ पे करो नंबरिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, याद करो मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन का हिस्सा बनाना है, ठीक है। कहीं पता चले यहाँ से नंबरिंग करो, 3 दो बार हो गया कहाँ पे बेटा? नहीं यहाँ पे मैम आपने 3 दो बार लिख दिया, कहाँ पे लिखा बच्चे? मैम यहाँ पे CH3 नंबरिंग की है मैंने, तो ये दो बार नहीं है, तो CH3 है बेटा, CH3 है, वो ऊपर लिखा हुआ था ना, इधर देखो वो ऊपर लिखा हुआ था ना, मैंने उसको नीचे लिखा है बस, ठीक है। चलो इसका नामकरण कैसे करोगे, 2 और 3 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई मिथाइल ब्यूट 1-ene, ठीक है जी। क्या यही आया सबका? चलो उसके बाद ये वाला कीजिए, इसमें नंबरिंग कैसे किया आप लोगों ने, 1, 2, 3, 4 ऐसे किया क्या? Yes. नहीं किया ऐसे। Yes. कैसे की फिर मैम? वो मैंने दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4 ले लिया, ऐसे ले लिया। लो यस मैम, चलेगा, नाम तो सेम ही आएगा, सिमेट्रिकल सिस्टम है ना। चलो इसका नामकरण क्या किया तुम लोगों ने, 2-3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-ene, सेकंड पोजीशन है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो वही है आई थिंक जो अपन ने पहले किया था, लेकिन जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वो वाला लिखना है आपको, गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तो खत्म हो रहा है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वाला नंबर लिखना है आपको। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इवन मैं भी करती थी पहले स्कूल टाइम में, ठीक है। इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन तो वही है जो मैंने पहले कराया था, जो तुमने मुझे करेक्ट किया, यहाँ से नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे इथाइल को क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, राइट। तो आपको नंबरिंग अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग करना है, कर लोगे 3-ethyl-4-methyl-hexane, 3-ethyl लिख दूं क्या, 3-ethyl
फोर मिथाइल हेक्सेन, ठीक है जी। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, मैं नहीं करा रही हूँ, कर लेना ये, ठीक है ओके, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैम ने यहाँ करा दिया तो खत्म छुट्टी। चलो अब आ जाओ ये सब्सिक्वेंट वाला, जो तुम बहुत ज्यादा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। देखो अभी हमने ना बहुत सिंपल सिंपल वाले सब्सिक्वेंट देखे, कौन कौन से देखे, दो ही तरह के देखे, इथाइल और मिथाइल, उसके अलावा कुछ देखा नहीं देखा। अब ऐसा तो नहीं है कि वही वाले सब्सिक्वेंट तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, बहुत ही भयानक भयानक सब्सिक्वेंट भी होते हैं जो तुम्हें आज मुझे दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्लाइड यूज नहीं करूंगी, यहाँ पे अपन ब्लैंक स्लाइड लूंगी और मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, ठीक है जी। आ जाओ आते, आप लोग भी अपना नोटबुक जहाँ पे आपने ली हुई है उसके दो पेज लगेंगे, आप प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको बताती जाती हूँ कौन कौन से एल्काइल सब्सिक्वेंट्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो एल्काइल सब्सिक्वेंट्स, डाला। चलो सबसे पहले सब्सिक्वेंट बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई मेन चेन सिलेक्ट कर रहे हो, मेन चेन सिलेक्ट करने के अलावा उसके जो आजू बाजू बाहर निकले पड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं, यही बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी मेन चेन आपने सिलेक्ट करी और उसमें CH3 बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, सब्सिक्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, क्या नाम है, मिथाइल, पहला। दूसरा अगर CH2CH3 है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे मेन चेन है और ये सब्सिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल, लिखो इथाइल, हाँ। नेक्स्ट लिखे, इथाइल C2H5 भी दिया हो सकता है ना, फिर से बोलो, इथाइल को C2H5 भी दिया हो सकता है, हाँ C2H5, ठीक है। और मिथाइल को ऐसे भी लिख के मिल सकता है ME, ठीक है, और इसको ET करके भी लिख सकते हैं इथाइल, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, बता दिया नहीं तो मैं भूल जाती, ठीक है। चलो आगे आए, थर्ड में क्या है, थर्ड में वैरायटी शुरू हो जाएगी सब्सिट्यूएंट की, कैसे, एक तो सिंपल हो जाएगी CH2 CH2 CH3, तीन कार्बन है बच्चों, तो इसके लिए क्या नाम लिखेंगे हम, प्रोपाइल, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। आगे आइए, और क्या हो सकता है इसमें, इसमें एक और ये हो सकता है, इधर आओ, CH3 CH3 H, देखो ये भी तो तीन कार्बन है, देखो बच्चों तीन कार्बन है, इसको हम बोलते हैं, आज नया नाम सीख रहे हो तुम, इसको बोलते हैं हम आइसो प्रोपाइल। अब मैम ये हम लर्न करेंगे, हाँ जी बेटा करने पड़ेंगे लर्न, तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो आइसो ग्रुप इसको इंडिकेट कर रहा है, देखो इसको CH CH3 CH3, ये वाला जो होता है आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो, क्योंकि तीन कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइल। अभी आगे हम ब्यूटाइल पे भी चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी, आइसो प्रोपाइल। चल अगर मान लो बच्चे, एक चीज तुम्हें और सिखाना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि आपने एक मेन चेन सिलेक्ट की, उसके ऊपर क्या है, सब्सिट्यूएंट लगे, ठीक है, उसका कॉमन, ये बेसिकली क्या है, कॉमन नेम, जैसे आइसो प्रोपाइल क्या है, कॉमन नेम। लेकिन अगर मान लो आपको सब्सिट्यूएंट का भी IUPAC नेम करना हो, आई एम रिपीटिंग, दिस इज कॉमन नेम, अगर आपको सब्सिक्वेंट का भी नाम करना, IUPAC नेम करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां से ब्रांचिंग शुरू होती है उस वाले कार्बन को नंबर वन देते हैं, इधर आओ और सीधा चलते जाओ, टू, खत्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चे, वन, वन पे क्या है, मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, दो, तो हम लिखेंगे मिथाइल। फिर से बोलू, वन पे क्या है, मिथाइल, वन, वन पे क्या है, मिथाइल, क्योंकि हम सब्सिट्यूएंट का IUPAC नेम करें, तो इसलिए मैंने YL इंडिकेट किया है, डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आगे आएंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर रही हूँ, एक साथ ही बताना शुरू कर रही हूँ, तुम टेंशन ना मत लो, आगे आएंगी दोबारा ये चीजें, ठीक है।
वन मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन टू, दो पे नंबरिंग किया ना तो इथाइल। ठीक है, इतनी यूज क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी बेटा फिर बोलो। मैम मिथाइल के बाद वो पी क्यों आया, डायरेक्ट इथाइल ही आना चाहिए था। मिथाइल कैसा, मिथाइल इथाइल ही तो है, तुम बोलो इथेन क्यों नहीं आया। मैम नहीं, जैसे कि आपने लिखा वन मिथाइल पिथाइल, तो वहाँ पे वन मिथाइल इथाइल आना चाहिए था ना। इथाइल ही तो है ये। मैम पी भी आ रहा है ना बीच में, पी कहाँ आ रहा है? मैम वाई के बाद वो वाई एल ही लिखा है, वो एल है बेटा। अच्छा ओके मैम, मैम यहाँ पे इथेन क्यों नहीं आया? वो इथेन इसलिए नहीं आया बच्चे क्योंकि हम जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं भूल मत जाना, सब्सिट्यूएंट का कर रहे हैं और सब्सिट्यूएंट लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है वाई एल लगता है। हाँ जी ठीक है जी। इथाइल कैसे आया? क्योंकि देखो ना वन पे मिथाइल लगा हुआ है और टोटल कितने कार्बन है तो तीन, लेकिन नंबरिंग जिसपे की है कितने पे की है, वन और टू, दो कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं नंबरिंग में तो इथाइल। चलो और करते हैं आगे टेंशन। मैम अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इथाइल पहले नहीं आना चाहिए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से? नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा, वन इथाइल मिथाइल नहीं लिखना तुम, वन मिथाइल इथाइल लिखोगे। ठीक है जी okay. इसमें मत करना ये गलती, वन मिथाइल इथाइल लिखोगे। ठीक है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट देखो ना इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है ना और सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे। ठीक है और ये क्या है, वर्ड रूट है एक तरीके से, है ना। Getting my point or not? ये वर्ड इसलिए था। कोई नहीं और क्वेश्चन करते, टेंशन मत लो, क्वेश्चन नहीं और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं चार कार्बन की, तो CH2, 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 CH3। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल, या सिंपल आप ब्यूटाइल भी लिख सकते हो। ठीक है एक काम करती हूँ व्हाइट कलर से लिख देती हूँ so that you can। ठीक है उज्जवल जी, ठीक है इसको बुक्स में एन ब्यूटाइल भी लिखा जाता है विच इज नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है चल उसके बाद सेकंड क्या बनता है, सेकंड ये बनता है, इधर आओ CH2, CH, CH3, CH3। अब मुझे बताओ क्या ये वाला ग्रुप आइसो वाला है, ये देखना। यस मैम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। समझ में आ गया, आइसो ब्यूटाइल। नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट का आयु पे एक नेम लिख रहा हूँ बच्चों, टू मिथाइल प्रोपाइल। चलो देखते हैं यहाँ से नंबरिंग चालू करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हुआ है, वन टू थ्री, तो क्या होगा, टू पे क्या है मिथाइल और वर्ड रूट कितना है, वन टू थ्री, तीन कार्बन का दो प्रोपाइल। ठीक है जी, यस सिर्फ लिख लो, ये बाद में भी आएंगे तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मैम ने ये करा दी तो इसके बाद कभी नहीं कराएंगे, अरे नहीं ये अभी नेमिंग में आएंगी ये चीजें। ठीक है तो अभी मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कि ये वाले सब्सिक्वेंट भी मिल सकते हैं। ठीक है ब्यूटाइल में ही और देखो, थर्ड वाला CH, CH3, CH2, CH3, इसका नाम होता है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको ऐसे लिखते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाम क्यों आया, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कार्बन इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करना हो तो वन टू थ्री, तो क्या लिखोगे, वन मिथाइल प्रोपाइल। मैम ये एक बार बता दो, मेरा नेट इशू था। नंदनी इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, आप लिखोगे कैसे, सेक ब्यूटाइल लिखोगे, क्योंकि ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है। बेटा प्लीज लीव मत करो, समझ के जाओ फिर देखने बैठोगे रिकॉर्डेड लेक्चर फिर। ठीक है एक होता है फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल करके, मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मेन चेन होगी और ये पूरा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसा मत सोचो ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं आयुपेक नेमिंग से, यानी कि चार नंबर का, एक तो प्योरली आयुपेक नेमिंग पे बेस्ड होगा, एक क्या होगा जब आप ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक रिएक्शन सीखेंगे तो आपको बोलेंगे प्रोडक्ट बनाओ और जो प्रोडक्ट बना उसका आयुपेक नेम क्या होगा, यही नहीं आता होगा तो फिर क्या ट्वेल्थ की रिएक्शन करोगे, समझ रहे हो मेरी बात, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है टर्शरी नाम क्यों लिया, क्योंकि ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है इसलिए इसका नाम है टर्शरी। लिखते कैसे हम, टर्ट ब्यूटाइल, क्या लिखते हैं टर्ट, और इसकी नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे,
वन टू वन वन डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है जी, देख लो। इसके बाद आता है लास्ट फाइव, क्या करूंगी, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटाइल, बोलिए। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोपेंटाइल बना दे। आइसोपेंटाइल में क्या होता था, ये तो रिपीट, ये तो सेम होता था, ये देखो, ठीक है। इसके बाद दो और कार्बन है, लगा दो बच्चों, देखो लगा दिए, बन गया, बना कि नहीं बना, ये तो सेम ही होता था, दो कार्बन हो तो इसका नाम क्या है, इस सब्सिट्यूएंट का, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। और अगर इसका नामकरण करना हो तो वन टू थ्री फोर क्या लिखोगे, थ्री मिथाइल ब्यूटाइल। हाँ सुहानी मैम, इसमें जो फोर्थ पार्ट है वन वन कॉमा वन डाई मिथाइल इथाइल रखा है, तो वहां पे तो सी एच थ्री है ना, तो उसके लिए इथाइल लगेगा कि मिथाइल? नहीं नहीं, वन पे सब्सिट्यूएंट है ना, मतलब क्या बोलू, थोड़ा सा फोकस होके सुनो, मैं सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर रही हूँ, तो नेमिंग वैसे ही करनी है जैसे तुम नॉर्मल उसमें करते थे पेरेंट चेन में। वन पे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट में ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वन वन डाइमिथाइल और दो कार्बन है, मतलब वर्ड रूट दो कार्बन का है तो इथाइल, ठीक है। ओके मैम, चलो मैम। हाँ जी मैम, इसमें सेकंड ब्रांच को कंसीडर नहीं करेंगे जो इसमें थ्री के बाद दो और कार्बन में ब्रांच है? कौन सा बच्चे, ऐसे सोच रहे हो क्या तुम, ऐसे बोल रहे हो क्या तुम? नो मैम, जो अभी आपने फिफ्थ वाला करा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, फिफ्थ वाला ये वाला। यस मैम, इसमें ब्रांचिंग नहीं की व्हाइल राइटिंग द आईयूपीएसी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, राइट? यस मैम। देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे, आप सब्स्टिट्यूएंट का अगर तुम्हें आयुर्वेदिक नेमिंग करनी है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे। जैसे मेन चेन है ये, मान लो इधर आओ, ये मेन चेन है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो जहां से वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ उसका पहले कार्बन से नंबरिंग करनी है और वो सीधी चलती जानी है, जैसे ये सीधी चली तो कितने की चेन बननी है, वन टू थ्री, थ्री मिथाइल ब्यूटाइल, देख पा रहे हो? चलो और क्या करें, इसमें और क्या आता है, आते हैं, अरे एक पेज और चाहिएगा मेरे को। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो बच्चे। फिफ्थ वाले में कि जो आपने नंबरिंग करी थी वो अपना स्टार्टिंग से करी थी, हम पीछे से नहीं कर सकते क्या नंबरिंग? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, एक बार मैं कहा थी बेटा। हाँ अब बोलो कौन से वाला बेटा? मैम ये लास्ट वाले में हम पीछे से भी तो नंबरिंग कर सकते। अभी मैंने एक चीज बोला, इसका मतलब क्या है कि मेन चेन यहाँ पे है ना, तो मैम हम पीछे से नंबरिंग करके तब मेन चेन तक। ना 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 ना, नहीं मेन चेन है ही यहाँ पे, मेन चेन है ही यहाँ पे, तभी तो ये आया इसका नाम। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करो तो नाम ही बदल जाएगा उसका पूरा, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ? मेन चेन ये है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट के पहले कार्बन से नंबरिंग करना चालू करना है तुम लोगों को, ठीक है? तो ये पूरा आइसोपेंटाइल है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो उसका तो नाम ही बदल जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. चलो अब पांच में अपने दो हो चुके बच्चे, दो और रह गए, तीसरा क्या है लिखो, टर्शरी पेंटाइल। कैसे लिखोगे बच्चे टर्शरी पेंटाइल? ऐसे लिखोगे। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे था बच्चों? ऐसे था, है ना, ऐसे था। अब यहाँ पे पांच कार्बन है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, इससे भी और इससे भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? टर्शरी यानी कि टर्ड पेंटाइल। मैं फिर बोल रही हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, नोट सो इम्पोर्टेंट, ये अभी तक नीट में नहीं आया, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको और कर भी सकते हो, ठीक है? एक होता है नीट टर्ड, क्या बोलते हैं इसको, किसको बेटा, फिर बोलो। मैं आप टर्शरी पेंटाइल को और क्या बोल रहे थे? टर्ड पेंटाइल लिखने में होता है टर्ड पेंटाइल। मैम इस पर नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बच्चे, आओ वन टू थ्री वन वन डाई मिथाइल प्रोपाइल। तुम ये भूल तो नहीं रहे हो ना कि हम सब्स्टिट्यूएंट कर, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, मेन चेन नहीं है ये, समझ रहे हो बच्चों? यस। हाँ अब लास्ट, yes, तुम्हारा लास्ट है सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, भाई सुपर डुपर, ये बहुत बार आता है,
पूरी ऑर्गेनिक में ये बार बार तुम्हें दर्शन देगा, इसका नाम क्या होता है? कितने कार्बन है बच्चों? पांच। जो ये वाला ग्रुप होता है ना पूरा, ये वाला पूरा ग्रुप, इसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। नियो और पांच कार्बन है तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। जैसे आइसोप्रोपाइल ये था ना अपना, ऐसे ही नियो ये है, ये आइसो था, ये नियो है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। yes, और इसकी नंबरिंग करोगे तो कहां से करोगे? यहां से 1 2 3। तो क्या लिखोगे? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। बोलो क्या कहते हो आज? मैम इसमें नंबरिंग आगे से भी कर सकते हैं? नंबरिंग आगे से यहां से नहीं। अभी मैंने एक चीज बोला, पेरेंट चेन यहां पे है तुम्हारी, पेरेंट चेन के ऊपर सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, जहां से सब्सिट्यूएंट का पहला कार्बन होता है उससे चालू करनी है। जैसे मान लो ये तुम्हारी मेन चेन है बच्चों, है ना, उसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3 CH3 CH3। तो नंबरिंग किसको करोगे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 1 2 और ये तुम्हारी मेन चेन हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे करते हैं। हालांकि इतना डिफिकल्ट नीट में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हम वो वाले क्वेश्चन भी सीखेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये वाले आप सिर्फ अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और छोड़ना चाहते हैं तो लिख लेना, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी तो वो बेटर समझ में आएगा, रटने से नहीं आएगा। तो मैं आपको रटवाना नहीं चाहती कि एल्कीन तो एल्कनाइल हो जाएगा, इथिनलाइल हो जाएगा, प्रोपीनाइल हो जाएगा, मैं ये रटवाना नहीं चाहती। तो आप लीव भी कर सकते हो इसको, अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं क्वेश्चन में कराऊंगी, नहीं आया तो छुड़वा दूंगी, ताकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है जी, चलो। हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हैं, फीन फिनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट किए है और जो आपकी बेंजीन रिंग है वो अलग से सब्सिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। जैसे देखो इधर, ये देखो, देख लिया? तो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे? 2 फिनाइल ब्यूटेन। समझे? ऐसे कर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर हम बाकी कल स्टार्ट करेंगे। करोगे क्या ये वाला फटाफट से बेटा? 5 मिनट दे दो बस अपनी मैम को। देखो ये बहुत भयंकर सा दिख रहा है, डरना नहीं है। नंबरिंग मैंने कर रखी है, एक बार बस आप चेक कर लीजिए क्या ये नंबरिंग सही है अपनी तरफ से। आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, अपनी तरफ से नंबरिंग करो। करो बेटा, 2 मिनट। हाँ हाँ, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ये कराऊंगी और एक ये वाला कराऊंगी, कल से फिर हम फंक्शनल ग्रुप चालू करेंगे। ठीक है, चलो। मैम डन। डन, चलो करो करो, धीरे धीरे करो। 8:17 हुई है, 8:18 पे मैं लिखूंगी, फिर आप वो मैच करेंगे। नंबरिंग सही की हुई है ना? ध्यान से देख लीजिए, डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है आपको मेन चेन में, और ट्राई करना है। हाँ, और ट्राई करना है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो मेरे पास एक यही पॉसिबल चेन है जहाँ पे मेरे को डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। बाकी साइड से करोगे तो बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा, तो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इसका नंबरिंग पहले क्या करोगे? सब्सिट्यूएंट का नामकरण करोगे। ये सब्सिट्यूएंट क्या है? इथाइल है। यस मैम, देखो एक बार, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये है इथाइल है ये। ठीक है, तो CH2 CH3 is what? इथाइल। तो क्या लिखूं मैं? 5 6 डाइथाइल, ठीक है, 7 मिथाइल, 10 कार्बन है, डेक। यहाँ पे 1 और 10 पर भी तो है। कहाँ पे? यस मैम, ये सब्सिट्यूएंट नहीं है, ये मेन चेन का पार्ट है ये, देखो। अच्छा हाँ, इसलिए बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये जेई में आया होता पहले, और नीट में भी ऐसा ऐसा आया था, बट इससे थोड़ा सा सिंपल आया था, लेकिन था ऐसा ऐसा, एमई करके कंफ्यूज किया हुआ था। ठीक है, देखना एक बार, ऐसा ही आएगा, यही लिखा है। हम, ये तो मी है, तो मिथाइल हुआ ना, डाइथाइल कैसे हुआ? अरे ये देखो ना, ये फाइव और सिक्स कार्बन है बच्चे, ये देखो ना, ये CH2 है और ये CH3 है, तो ये इथाइल ही हो गया, CH2 CH3। यस मैम। ठीक है, चल मैम, तो ये वाला करो, मजा आ रहा है मैम? टाइम भी हो गया। अरे
फिर क्या हो गया, खाना खाना है क्या? 8:30 क्लास है मैम, मैम मैं तो बीच में डिनर कर लेती हूँ। अच्छा इसका नामकरण कर दो। पता है ऐसे केस में ना तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम कंफ्यूज होते हो ना, इसको पूरा खोल के लिख लिया करो। जैसे मैं खोल के कैसे दिखाऊंगी, इधर आओ, ये वाला कार्बन पकड़ रही हूँ मैं, ठीक है, सी, फिर ये वाला सी डबल बॉन्ड, फिर ये वाला सी, इस पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, सी एच टू सी एच थ्री लिख देती हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो ये वाला कार्बन सी, इस पे भी इथाइल लगा हुआ है, देख रहे हो बच्चों, फिर ये डबल बॉन्ड सी, और इस पे क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, देखना। यस मैम। चलो लेकिन अब ये है इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इन्होंने ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और यही करेक्ट नंबरिंग है, ठीक है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड को चेन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा बच्चों, 3-4 डाई इथाइल, है ना, हेग्स, हेग्स। अब दो पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो कैसे इंडिकेट करोगे, 2-2-4 डाई इन। अब ध्यान से सुनो, कई बुक्स में क्या होता है, या तो ये लिखा मिलेगा हेक्सा, हेक्सा 2-4 डाई इन, लेकिन कई बुक्स में ये लिखा मिलेगा, मैं आपको लिख दे रही हूँ, 2-3-4 डाई इथाइल हेक्स, हेक्स 2-4 ए पहले यहाँ पे लगा दो, मतलब ए जो हमने यहाँ लगाया ना वो ए इसके आगे लगा दो, तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब वो कैसे पता चलेगा मैम, आप ऑप्शन देख लेना, जो ऑप्शन में है उसको टिक मार करके आ जाओ। अगर मान लो ये कब है, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, अगर मान लो दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो हम लिखते हैं ए, ये लिखते हैं, ठीक है, डाई आइन, यहाँ पे डाई इन था, वहां पे डाई आइन हो जाए, ठीक है जी। यस मैम। चलो तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और इतना भी मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी हमारी बात ये है कि हमारे ऑप्शन आते हैं पेपर में, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे फंसाने वाले नहीं आएंगे। हाँ, ऑप्शन में कहाँ फंसा सकता है एग्जामिनर आपको, कि जैसे आप पहले फंस रहे थे ना, इथाइल को आप बाद में लिख रहे थे, मिथाइल को पहले लिख रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप को 1 by 1 हम स्टडी करेंगे, ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। आई होप कि क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और थैंक यू सो मच मैम, मजा आया क्लास अटेंड करने के लिए, मुझे भी बहुत मजा आया, टॉपिक ही ऐसा है मजेदार।